7th class. Good morning. अभी तक आपने मैंने आपको चैप्टर करा लिया और मैंने भी आपको रिवीजन करा दी है. तो अब हम फोर्थ चैप्टर दैट इज हीट, फोर्थ चैप्टर दैट इज हीट, उसकी रिवीजन करेंगे. ओके बेटा, फोर्थ चैप्टर हीट. हीट गर्मी को कौन क्या बोलते हैं, गर्मी. ओके बेटा, आज हम इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे. ओके मैं आपको थर्ड चैप्टर, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर की रिवीजन करा रही है. आज है नेक्स्ट चैप्टर, फोर्थ चैप्टर दैट इज 7 इज हीट. फोर्थ चैप्टर 7 के पास हीट. Our sense of touch is unbelievable. Okay, beta. Thermometer, a device which is used to measure temperature of an object, is known as thermometer. Okay, beta. Thermometer. Insulator, the material which do not allow heat to pass through it is called insulator.
matter, the material in which it is allowed to pass is known as conductor. Thank you.
टाइप्स ऑफ थर्मामीटर है हमारे, टू टाइप ऑफ थर्मामीटर, फिजिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर। देयर आर टू टाइप ऑफ थर्मामीटर, फिजिकल और लेबोरेटरी, और दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। दोनों ही टेम्परेचर मापने के लिए यूज किए जाते हैं।
heat है और temperature है उनको differentiate करना है. It is a kind of energy. Heat is a kind of energy. और temperature it is the degree of hotness or coldness of a body. तो degree मापने के लिए use किया जाता है किसी body की hotness or coldness. ये degree मापने के लिए use किया जाता है. Heat it is the cause that help in the rising of temperature of the body. Or temperature it is the effective of heat. Differentiate between heat and temperature.
डायरेक्शन में ही फ्लो होती है body temperature of healthy person. इसको लिखिए बेटा जल्दी से. Which scales are used to measure temperature? Celsius or Fahrenheit scales? Celsius or Fahrenheit scale? Thank you.
story fair and I escaped. नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बेटा अपनी बुक में आप इस चैप्टर के मैच का कॉलम्स जिसने नहीं करे हैं वो करिए बेटा मैच का कॉलम्स। क्वेश्चन नंबर 4 में ही है मैच का कॉलम। जिस बच्चे ने अगर नहीं करे हैं तो करिए बेटा मैच का कॉलम्स। Land is load way. Yeah.
goodness और coldness. जिस बच्चे ने फिलप्स नहीं भरे हैं वो भर लेना अच्छे से. Hotness of a body is determined by its hotness or coldness. Second field of lines, temperature of boiling water cannot be measured by a clinical thermometer. Boiling water को thermometer के द्वारा नहीं मापा जाता. Cannot be measured by a clinical thermometer. C. Temperature is measured in degree of hotness. Degree of hotness. Temperature is measured in degree of hotness. D. The medium is required for transfer of heat by the process of radiation. Is radiation. 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 E. A cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. Is transferred into its other end of the कंडक्टर मैंने बताया था वो होता है जिसमें से हीट पास आउट होती आती है. दैट इज नोन एज कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को गुड कंडक्टर कहलाते हैं. और जिसमें से हीट पास आउट नहीं होती उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर. जिसमें से हीट पास आउट नहीं होती उसको हम बोलते हैं बेटा इंसुलेटर. ओके. टेम्परेचर आपका क्या है? टेम्परेचर आपके बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस ऑब्जेक्ट को मापा जाता है. दैट इज नोन एज टेम्परेचर. लैंड ब्रीज कूल एयर फ्रॉम लैंड टू सी. लैंड ब्रीज क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ कूल एयर फ्रॉम लैंड टू सी एट नाइट. और सी ब्रीज द मूवमेंट ऑफ कोल्ड एयर फ्रॉम सी टू लैंड. सी से लैंड की तरफ जो एयर जाती है आपकी कोल्ड एयर उसको बोला जाता है सी ब्रीज. ओके. लैंड से सी की तरफ लैंड ब्रीज और सी से लैंड की तरफ सी ब्रीज. लेबोरेटरी दो तरह के थर्मामीटर है तुम्हारे, लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर. लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज कितनी है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड. जबकि क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड है.
process of transfer of heat from body to another without heating. The intermediating medium is called radiation. The intermediating interval is known as radiation. Okay, how are the bottom thermometer be? Vertically upward position में thermometer को हम read up करते हैं. Name two types of thermometer, clinical thermometer or laboratory thermometer. Normal body का जो range होता है, temperature का कितना है? 37 degree centigrade. 37 degree centigrade. Normal body का जो temperature होता है वो कितना होता है? 37 degree centigrade. Okay बेटा, इस chapter को revise करना, इसकी question answers आपको मैंने करा दी है ना, उसको करना और मैं भी आपको दोबारा से इसकी question answers करवा दूँगी. Okay बेटा, so you have to revise this chapter heat for your exam.